हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिशूस मैजिक। आज मैं आपको ऑल टाइम सबका फेवरेट स्नैक्स रेसिपी बताऊंगी। इस रेसिपी का नाम है वेजिटेबल चॉप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वेजिटेबल चॉप की रेसिपी बताऊंगी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ये देखिए। तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया है और इसके बगल में बेल आइकन है, उसे भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, 1 बड़ा कद्दूकस किया हुआ बीटरूट, 2 गाजर कद्दूकस किए हुए, 1 प्याज, इसे मैंने पतला बारीक काट लिया है, कुछ मटर के दाने, हल्दी 1/4 चम्मच। घोल के लिए हमें चाहिए 1.5 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इन दोनों में से सिर्फ एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कुछ रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं, आप चाहे तो कच्चा मूंगफली भी ले सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक और 1 लहसुन को मैंने घिस लिया है, 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसमें और भी तरह तरह की सब्जियां ऐड कर सकती हैं, जैसे कि बीन्स, छोटे छोटे बारीक कटे हुए फूलगोभी और पनीर के टुकड़े भी आप ऐड कर सकती हैं। इसी तरह से आप तरह तरह की सब्जियां इस्तेमाल कर सकती हैं वेजिटेबल चॉप में। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके का क्रम्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये पहला जो क्रम्स है, ये वीट फ्लेक्स क्रम्स है। मैं नॉर्मली वीट फ्लेक्स को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में हल्का ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड्स को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे आलू को कद्दूकस कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल चॉप 2 तरीके का बनता है, जिसमें आप सारे मसाले को आलू में मिक्स करें और फिर आप इसे डीप फ्राई करें। और दूसरा तरीका है कि पहले आप मसाला को, बीटरूट और गाजर है, इन सब का मसाला अच्छे से तैयार कर लें एज अ स्टफिंग, और फिर आप इसे आलू में अच्छे से स्टफ कर लें और फिर आप इसे डीप फ्राई करें। तो मैं आज यहाँ पे जो टिपिकल, जो ट्रेडिशनल तरीका है वेजिटेबल चॉप का स्टफिंग करने के बाद जो बनाते हैं, मैं वो तरीका अपना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को घिस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू को अच्छे से कद्दूकस कर ले रही हूँ इस तरह से, देखिए। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे साइड कर लेंगे। तो अब हम स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा के गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। गर्म होने पे हम इसमें बारीक कटा हुआ मिर्ची और अदरक लहसुन डाल लेंगे। अब हम इसमें मूंगफली के जो दाने हैं वो डाल लेंगे और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे ज्यादा लाल नहीं करना है। अब हम इसमें जो हमने हरे मटर है वो भी डाल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा हरा मटर है तो इसे पकने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम इसे शुरुआत में ही डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार और हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें मसाला डालना शुरू करते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने बीटरूट को घिस के रखा था वो डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और जो गाजर को भी हमने घिस के रखा था वो भी डाल लेंगे साथ में। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें अच्छे से पका लेना है। तो इसे हमें ढककर पकाना है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं पहले। तो ये मिल चुका है, तो अब हम इसे ढक लेंगे और हर 2 मिनट में इसे हम मिलाते रहेंगे। तो ये देखिए, इसे अभी थोड़ा और पकना है, तो इसे हम फिर से ढक लेंगे और फिर से हम इसे 2 से 2.5 मिनट तक पका लेंगे। इसी तरह से हमें 2 से 3 बार इसे ढककर अच्छे से पकाना है और इसे आपको हाथ से चेक करना है कि ये बीटरूट थोड़ा गल चुका है या नहीं। तो ये मैं थोड़ा हाथ से चेक कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा हल्का बिल्कुल बाकी है, तो मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और फिर ढक लेती हूँ और फिर हम ये हमारा तैयार हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा स्टफिंग वेजिटेबल चॉप के लिए। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और चलते हैं स्टफिंग की तरफ। लेकिन उससे पहले हम ये घोल तैयार कर लेंगे जिसमें हम अपने वेजिटेबल चॉप को एक बार कोट करेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हमें एक पतला घोल तैयार कर लेना है। पतला घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखिए इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसे साइड कर लेते हैं और वेजिटेबल चॉप बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने इस तरह से हाथ में तेल रब कर लिया है और इस तरह से हमें छोटे छोटे आलू की लोई लेना है और इसे गोल करते हुए हमें इसे बीच में प्रेस करना है और एक छोटा सा कटोरी जैसा शेप देना है जिसमें हम अपने स्टफिंग को भरेंगे। तो ये देखिए ये कटोरी जैसा बन चुका है, अब हम इसमें अपने स्टफिंग को रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हमें बीच में दबाते हुए अच्छे से सब तरफ से इस कटोरी को बंद कर लेना है जिससे कि स्टफिंग अंदर में अच्छे से बंद हो जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बंद हो चुका है और इसे हमें हल्का ओवल शेप में गोल कर लेना है, इस तरह से हल्का लंबा ओवल शेप में। तो ये हमारा पहला वेजिटेबल चॉप बनकर तैयार है। तो ये मैं एक ट्रे में रख लेती हूँ। तो इसी तरह से हम दूसरा वेजिटेबल चॉप भी बनाकर तैयार कर लेंगे। उस तरह से हमें गोल करते हुए बीच में प्रेस करते हुए एक कटोरी जैसा शेप देना है और फिर हम उसके बीच में अपने स्टफिंग को जो हमने तैयार करके रखा है वो हम डाल लेंगे। ये देखिए, और इसे हमें अच्छे से बंद कर लेना है जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। देखिए ये बंद हो चुका है, अब हम इसे भी हल्का गोल करते हुए ओवल शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे वेजिटेबल चॉप को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसे कोट करते हैं बेसन के पतले लेयर से। देखिए ये बिल्कुल पतला लेयर है बेसन से। तो ये मैंने पहला ब्रेड क्रम्स का बना के रखा, ये हम मैं दूसरा बना रही हूँ जो मैं व्हीट फ्लेक्स में इसे कोट करूंगी। तो ये हमारा व्हीट फ्लेक्स वाला ट्रे है, इसमें मैं वेजिटेबल चॉप को डाल लूंगी और इसे हम सब तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे क्रम्स से। तो यहाँ पे मैंने दो प्रकार का क्रम्स इस्तेमाल किया है, व्हीट फ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स। इसी तरह से आप अलग अलग क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोया क्रम्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स हो गया, ये व्हीट फ्लेक्स है। इसी तरह से आप अलग अलग क्रम्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से हम दूसरा भी घोल में डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से एक पतला लेयर कोट कर देंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो ये देखिए इसे भी हमें अच्छे से कोट कर लेना है, बिल्कुल हल्का प्रेस करते हुए जिससे कि क्रम्स जो है वो ब्रेड में अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह से हम सारे वेजिटेबल चॉप्स को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा वेजिटेबल चॉप्स डीप फ्राई होने के लिए तैयार है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इंस्टेंट इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो हमने वेजिटेबल चॉप तैयार करके रखा है वो हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से डीप फ्राई करना है। तो ये देखिए ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इसी तरह से हमें पलटते हुए सब तरफ से अच्छे से पका लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट वेजिटेबल चॉप बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें मैंने ये और ये वाला वेजिटेबल चॉप व्हीट फ्लेक्स का है और बाकी जितने भी है ये ब्रेड क्रम्स के हैं। तो इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं अलग अलग क्रम्स के साथ। और इसे मैंने अनियन रिंग्स के साथ सर्व किया है, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, ये शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है, आप यहाँ पे अलग अलग सॉस के साथ खा सकते हैं, जैसे कि सेजवान चटनी, मस्टर्ड सॉस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको इसे एक वेजिटेबल चॉप को इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितना यमी लग रहा है। तो ये देखिए
देखिए ये काफी डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और घर में कोई भी गेस्ट आए हैं आप उसे ये बनाकर जरूर खिलाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।